Hey guys welcome to my channel festival को ध्यान में रखकर ही आज का वीडियो शूट किया गया है सो so, आज का वीडियो होने वाला है फुल होली फोटो शूट आईडिया as you already know क्योंकि थंबनेल देख ही लिया आप लोगों ने पहले और उसको देखकर ही यहाँ तक आए हो फेस्टिवल को ध्यान में रखकर ही आई थॉट लेट्स डू सम फन विद कलर्स और लिटरली ये फोटोज क्लिक करने में उतना ही मजा आया होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे स्पेशली गर्ल्स क्योंकि उनके लिए ही ये पूरा वीडियो बनाया गया है थैंक यू रशीद इतनी अच्छी मेरी पिक्स क्लिक करने के लिए आज की वीडियो का पूरा क्रेडिट उससे जाता है वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले गाइज इफ यू आर वॉचिंग माई फेस आई एम आईन ब्यूटीड टू माई चैनलो हिट द बेल आइकन जिससे मेरी वीडियोज के न्यू नोटिफिकेशन जल्दी आप लोगों को मिल पाए सो so आप कर लेते वीडियो को स्टार्ट सो गई शूट करने के लिए घर तो हमें दिया नहीं गया तो हमें छत पर ही करना पड़ेगा और छत का भी एक कोना ही दिया मतलब और यहाँ खड़ी हुई है हमारी आज की वीडियो की जान जो कि लेने वाली है सारी पिक्स और यहाँ पर भी यह सेटअप करना पड़ेगा ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो गंदे ना हो जो मैंने बिछा लिया कपड़े अलग गंदे हो पहले छत गंदी ना हो सो फर्स्ट लुक जो मैं शूट करने वाली हूँ उसके लिए एक प्लेट में हमें कलर्स लेने हैं सो मैं ना तीन कलर ही लेने वाली हूं। बाकी आप देख लेना अगर आपको ज्यादा चाहिए तो बड़ी सी प्लेट लो उसमें सारे कलर आप रख सकते हो बट मेरे लिए इतने काफी थे फर्स्ट पोज में सीढ़ियों पर बैठकर करने वाली हूँ इस तरीके से आप चाहो तो नीचे भी बैठ सकते हो और चेयर का भी यूज कर सकते हो सो ये रहा हमारा फर्स्ट फोटो शूट जो कि कुछ इस टाइप से सो अब बढ़ते हैं सेकंड पोज की ओर जो कि इस वीडियो का मेरा फेवरेट पोज था या फिर फेवरेट पिक थी सो so उसके लिए पहले रेडी होना पड़ेगा और इस तरीके से मैं कलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो पिक है उस पर हमें डॉट्स दिखाने हैं कलर के ना ही मतलब किसी ने लगाया हुआ है वैसा कलर सो so मैं इस तरीके से कर रही हूँ बट मेरे में पेशेंस नाम की बहुत कमी है तो मैं फिंगर से ही डेप डेप कर रही हूँ बट बाद में मैं जैसे पानी की ड्रॉप जो है वो छिड़कते हैं ना वैसा कुछ कर लूंगी जो की भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कर रही हूँ और यहाँ मेरा डिस्कशन चालू है क्योंकि मैं अपना पोज भूल गई हूँ कि क्या कैसे करना था अच्छा ऐसे करना था ठीक है आइस के पास कलर लगाना होगा पोज़ को ध्यान में रखकर ही अब मैं आईस के पास आई हूँ और देखो मैंने बोला था ना कि मुझे ड्रॉप्स रखने हैं सो इस तरीके से मैं अपने आइस पर जो है कलर ऐसे मारने वाली हूँ आइस पर नहीं आइस के साइड साइड और आप इसको बहुत अच्छे से लगाना क्योंकि कलर आंख में नहीं जाना चाहिए आइस के लिए सेफ नहीं होता है और मैं भी इसको आइस बंद कर कर ही कर रही हूं सो अच्छे से प्रिपेयर कर लो पहले फेस को उसके बाद ही होने वाली है ये पिक तो जिसमें मतलब तो थोड़ी सी मेहनत लग गई यार इस वाले पोज में तो और मुझे हंसी भी आ रही थी ये ऐसा करते हुए कि क्या ही हो रहा है भाई ऑल्सो भाई ये मैंने घर पर ही रखा हुआ है फोटो शूट क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे लोग बाहर जाके शूट कर पाए तो इसलिए लोकेशन मैंने ये चुनी एंड इसके बाद हमें फिंगर्स पर फिंगर्स या हैंड पर भी पूरे में कलर लगाना था तो जो फेस पर लगाया मतलब सेम वही पैटर्न में तो कुछ इस तरीके से मैं हाथ पर भी कर रही हूँ पहले मैंने ऐसे कर दिया अभी मैं ड्रॉप्स भी रखूंगी जो मैं पहले से बोलती आ रही हूँ जो कि अब कर रही हूँ इस तरीके से डॉट्स रखने हमें पोज के लिए हमें अपने दोनों हैंड से माउथ एरिया और हेड को फोर हेड को कवर करना है मीन पूरी तरीके से हाइट करना है ओनली आइज दिखनी चाहिए बाकी पूरा फेस जो है वो कवर होना चाहिए जो कि अभी आप देख लोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सो तो पहले प्रिपरेशन पूरी हो उसके बाद ही हम पोज दे पाएंगे जो कि नहीं हो पा अभी मतलब ओके सो इस तरीके से मैं कुछ बोल रही थी कि हमें ऐसा कुछ करना है इस वाले पोज के लिए सो तो मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी देख सकते हो मेरे फेस पर कि मुझे हंसी आ रही थी एंड दिस इज फाइनल लुक तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की और जिसमें मैंने दो पिक्स क्लिक की हैं एक फर्स्ट जो है मतलब जो मेरा हैंड है वो ब्लर रहेगा एंड पीछे का क्लियर एंड सेकेंड जो पोज है उसमें हाथ जो है मेरा ब्लर सॉरी हाथ जो है वो मेरा क्लियर रहेगा एंड पीछे का ब्लर सो so, इस तरीके से हमें कुछ रखना है कि बिल्कुल कैमरे के पास हाथ को टच करना है एंड मेरा ज्ञान जो हमेशा चलता ही रहता है जो कि मैं राशि को दे रही हूँ और उस वो सारे मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो भी कर रही है मतलब बहुत अच्छी बात है बेचारी वो बहुत क्यूट सी है सो so, uh, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कैसे क्या करना है सो so, इसलिए मैं बता रही हूँ वरना आप बोलो कि क्या ही मैं हर जगह ज्ञान देती रहती हूँ सो वो कुछ इस तरीके से करना है एंड का बारी फोटो की बारी सो so, ये क्लिक हुई पिक एंड एंड ये रहा रिजल्ट ये वाली पिक मुझे काफी ज्यादा सही लगी ये वो पिक है जिसमें पीछे ब्लर है पढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की ओर जिसमें हमें पाम पर कलर लेकर उसे फूकना है और इस टाइम ही हमें पिक ले लेनी है उसके बाद हमें एडिट करना है पिक को और ये रहा फाइनल रिजल्ट जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्री लगा अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है सो आप स्मोक बॉम्ब का भी यूज कर सकते हो पढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की ओर एंड इसमें हमें इस तरीके से कुछ करना है इस तरीके से जैसे कि कोई हमें रंग लगा रहा हो या हमारे ऊपर डाल रहा हो एंड उसके बाद एडिटिंग करनी है इस पिक में भी आप स्मोक बॉम्ब का यूज कर सकते हो बट मेरे पास जब एडिटिंग का प्रो वर्जन है तो मैं क्यों ही उसमें पैसा वेस्ट करूँ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की ओर एंड इसमें दोनों पाम पर हमें कलर ले लेना है एंड उछालना है ऊपर की ओर और, और एडिट करते टाइम हमें ये जो कलर है पूरे में स्प्रेड कर देना है जिससे कि लगे कि हमने ये जो कलर स्क्रीन पर दिखाया गया है वो हमने ही उड़ाया है एंड एडिट करने के बाद पिक का लुक कुछ इस टाइप से आएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है So था सो इसी से आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगे फिर उस वीडियो को लाइक करना मत भूलना मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय